ब्यूटीफुल पिंक लिप्स तो किसे पसंद नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नेचुरल रोजी लिप्स किसी के भी सुंदरता का एक अपीलिंग फीचर है। डार्क लिप्स का मेन कारण होता है डायरेक्ट सनलाइट, कोई एलर्जिक रिएक्शन, लो क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स यूज करना, टबैको खाना, एक्सेसिव स्मोकिंग, हाई कैफीन इनटेक या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। लेकिन बहुत से तरीके हैं जिसमें हम बिना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज किए हुए अपने लिप्स को फिर से नेचुरल कलर में ला सकते हैं, उनकी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं और आप भी पा सकते हैं रोजी पिंक लिप्स नेचुरली। इसके लिए आज हम बनाएंगे स्क्रब, लिप स्क्रब। स्क्रब बहुत ही अच्छा तरीका है अपने डेड स्किन सेल्स को हटाने का, अपने पोर्स क्लीन करने का, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने का। अगर आप रेगुलरली एक्सफोलिएशन करते हैं तो जो सीरम्स और मॉइस्चराइजर्स आप लगाते हैं ना, वो भी और इफेक्टिवली काम करता है, डीपली पेनिट्रेट होता है। तो आज हम बनाएंगे कुछ नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली एडिबल स्क्रब जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है आपके स्किन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ ऋतु तिवारी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। पहले स्क्रब के लिए हम सबसे पहले लेंगे ब्राउन शुगर। आप इसकी जगह केन शुगर भी ले सकते हैं या फिर आप रॉ शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर बेस्ट है। शुगर बॉडी स्क्रब बेस्ट होते हैं क्योंकि ना सिर्फ ये डेड स्किन सेल्स, डर्ट और ऑयल को निकालते हैं बल्कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच शहद, हनी। हनी जरूरी है आपके स्किन को स्मूथ और प्लम्प बनाने के लिए। ये स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है, साथ में चमकदार भी बनाता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। इससे आपको मॉइस्चराइजेशन मिलेगा क्योंकि स्क्रब के बाद में मॉइस्चराइजेशन भी बहुत जरूरी है। इसे अच्छे से मिला लेते हैं हम। बहुत ही अच्छा हमारा, देखिए ये स्क्रब बनके रेडी हो गया है। इसी तरह का ग्रेनी और स्मूथ कोई स्क्रब होना चाहिए, खासकर जब वो लिप स्क्रब हो। तो ये हमारा पहला स्क्रब रेडी है। आप इसे हर तीसरे दिन यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत परेशानी है, पर अगर आपके लिप्स नॉर्मल हैं तो आप इसे वीक में एक बार यूज करिए। इसे हम एक छोटे ग्लास कंटेनर में भर के रख सकते हैं। ये स्क्रब एक महीने तक खराब नहीं होता है। आप आराम से इसे रूम टेम्परेचर पे और फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रब जो हम बना रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जिनके लिप्स की हालत बहुत ही खराब है, उनके लिए ये स्क्रब है। इसमें मैंने लिया है ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलकों का पाउडर। इसमें नेचुरल खुशबू होती है जो आपको रिफ्रेशिंग फील कराती है। इसमें विटामिन सी होता है और जो लोग रोज लिपस्टिक लगाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे स्किन लाइटनिंग होती है। इसमें हम मिलाएंगे एक चम्मच ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है और हमारे लिप्स की स्किन तो बहुत सेंसिटिव होती है। इसके बाद हम मिलाएंगे 2-3 ड्रॉप्स एलमंड ऑयल। बहुत ही अच्छे से हमें मिला लेना है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच शहद। शहद डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला देना है। ये स्क्रब भी लॉन्ग लास्टिंग है, एक महीने तक आराम से आप इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, उन लोगों के लिए तो वरदान है जिनके लिप्स बिल्कुल ही ब्लैक हो चुके या बहुत ज्यादा फटे हुए हैं। अब आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन के लिए इसमें डालना है शिया बटर। अगर आपके पास शिया बटर नहीं है तो आप इसमें वैसलीन डाल सकते हैं, ये 1/2 टीस्पून है। तो ये स्क्रब ना सिर्फ आपके डेड स्किन सेल्स को हटा देगा, आपको बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजेशन भी देगा। ये बहुत ही अच्छे टेक्सचर में हमारा स्क्रब बन गया है। इसे भी आप हर 3 दिन में यूज कर सकते हो।
और जब लिप्स आपके ठीक होने लगे तो आप वीकली एक बार यूज करिए। स्क्रब करते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर यूज मत करिए, नॉर्मली स्क्रब करिए, तो आपकी सारी एक्स्ट्रा जो स्किन है, जो फटे हुए होंठ हैं, उनको ये अच्छे से हटा देगा और साथ में आपको बहुत ही अच्छा कलर देगा, मॉइस्चराइजेशन भी देगा। स्क्रब करने के बाद में आप कोई लिप बाम यूज कर सकते हो मॉइस्चराइजेशन के लिए, जिससे कि हमारे होठों को सॉफ्टनेस मिले। आप मेरे लिप बाम का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बीटरूट से बहुत ही अच्छा एक लिप बाम बनाया है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियोस में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।